छतरपुर जिले के बड़ा मलेरा में भोपाल से लौट रहे खजुराहो सांसद बीडी शर्मा का भाजपा कार्यकर्ताओं ने बड़ी गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। इस दौरान सांसद ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर विपक्षी पार्टियों द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम को लेकर आरोप लगाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि CAA का भारत के अल्पसंख्यकों से कोई लेना देना नहीं है, यह कानून नागरिकता देने का है, नागरिकता लेने का नहीं। इस दौरान पूर्व नगर परिषद उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह, शंकर प्रताप सिंह हल्के राजा, भाजपा मंडल अध्यक्ष गिरजा प्रसाद पटेरिया, अनिल शर्मा बमनी, सत्येंद्र सिंह छोटू राजा समेत भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। बड़ा मलेरा से लोकेंद्र सिंह की रिपोर्ट। चाहे वो धारा 370 हो, चाहे और भी कई ऐसे जो इशू इस देश के अंदर रहे, तो उन ऐतिहासिक झूलों के साथ अब कांग्रेस ऐतिहासिक झूठ भी बोलती है। जिस प्रकार से CAA के बारे में नागरिकता संशोधन कानून जो आया संसद के अंदर, उसका भारत के किसी भी अल्पसंख्यक से कोई लेना देना नहीं। नागरिकता देने का कानून है, वो नागरिकता किसी की लेने का कानून है ही नहीं। केवल उन तीन देशों के लोग, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के जो लोग हैं, जो धार्मिक प्रताड़ना के आधार पर पीड़ित हुए हैं, जो बेचारे ऐसे शरणार्थी हैं जो वहाँ पर, आज भी समाचार आपने पढ़ा होगा, आज भी दो हिंदू बेटियों को उठा के ले गए। ऐसी घटनाएं, दुर्घटनाएं वहाँ अल्पसंख्यकों के साथ, क्योंकि मुस्लिम इन तीन देशों में अल्पसंख्यक नहीं है, वो इस्लामिक देश है, इसलिए उनके साथ जो प्रताड़ना हो रही है, उनको शरण देना भारत का कर्तव्य है। ये गांधी जी ने भी कहा, नेहरू जी ने भी कहा, इंदिरा जी ने भी कहा, और 1955 में नागरिकता संशोधन कानून बना है, नागरिकता कानून बना देने का वही केंद्र का अधिकार है, इसलिए संसद ने कानून पारित किया है। ये तो झूठ बोल करके जनता को भ्रम और लोगों को गुमराह करना चाहते हैं, तो जनता, आप मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ों को समझ चुकी है।